हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। 12वीं पास बच्चे जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है बच्चों। अब जो बच्चे नर्सिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर आई है, बहुत ही जोश भरी खबर आई है। और ये खबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है। आज उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताएंगे ताकि आपको कैसे उसका फायदा उठाया जा सकता है, कैसे आपको लाभ मिलेगा, क्या तरीका रहेगा, कैसे आप कैरियर बना सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस खुशखबरी के साथ में कि अब भारत के अंदर नए 157 BSc नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। और ये इतनी तेजी से तैयारी चल रही है कि कुछ कॉलेजेस जो नए खुलने वाले हैं उनमें से कुछ में इसी सत्र में एडमिशंस चालू हो गए हैं और कुछ कॉलेज में अगले सत्र में चालू कर दिए जाएंगे। तो जो बच्चे 12th बायोलॉजी से पास होकर के केवल नीट की तैयारी करते थे और उनको लगता था कि कोई और ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों अब बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप नीट में बहुत टफ कंपटीशन होने की वजह से फाइट ना कर पाए या आपका शुरू से ही इंटरेस्ट अगर है कि मुझे नर्सिंग में ही कैरियर बनाना है तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो कि पहले से भी मौजूद थी अब उसमें 157 नए कॉलेज और खुल गए हैं। तो ये मान के चलिए कि आने वाला भविष्य आपका बहुत सुनहरा है। अब किसी तरह की निराशा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी डिटेल बता देता हूं 157 नर्सिंग कॉलेज आखिर कहाँ खुल रहे हैं। ये सारे के सारे नर्सिंग कॉलेज जो नए मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट ने खोले हैं ऑल ओवर इंडिया में वहां पर खोले जा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो भी खुल रहे हैं उनके साथ में अटैच रहेगी आपकी बिल्डिंग, उसी कैंपस में रहेगी और वहां पर BSc नर्सिंग की पूरी डिग्री आपको दी जाएगी। तो 4 साल का सिलेबस है आपके पास में। 12th करने के बाद में 3 ऑप्शन होते हैं, ANM, GNM और BSc नर्सिंग। तो उनमें जो सबसे अच्छा या 4 साल में जो एक एम्स के लिए क्वालिफाई करने वाला जो डिग्री है वो होती है आपकी BSc नर्सिंग। तो जो बच्चे BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं वो अब अलर्ट हो जाएं, अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो 157 कॉलेजेस खुलेंगे उनके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। हर राज्य में अपने अपने राज्य के हिसाब से वो वैकेंसी अनाउंस करते हैं और उस वैकेंसी पर आपको अपना फॉर्म भरना है और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो यूपी में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूपी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना फॉर्म भर रहे हैं। राजस्थान में 2-3 महीनों के अंदर फॉर्म निकल जाएंगे, एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तो राजस्थान में यानी कि RUHS जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसकी तैयारी अभी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी क्रैश कोर्स के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पर वैकेंसी आती है। अगर आपको वैकेंसी के बारे में अपडेट रहना है तो प्रयोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर आपके पास आती है तो वो मिस ना हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बताते हैं कि ये 157 नर्सिंग BSc नर्सिंग कॉलेज खुलने के बाद में आपको करना क्या है। आपको करनी है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। एक और जानकारी बता दूं कि 157 जो नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं BSc नर्सिंग के लिए इनमें से ज्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, MP हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। तो ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है क्योंकि यहाँ पर पहले से काफी कम नर्सिंग कॉलेजेस हैं। क्योंकि साउथ में चाहे वो कर्नाटका हो, आंध्रा हो, केरला हो, बहुत ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस पहले से वहां पर हैं। तो अब केंद्र सरकार ने इस विषमता को दूर करने के लिए क्योंकि 40% कॉलेज पूरे इंडिया के केवल 4 राज्य हैं जो नॉर्थ साउथ इंडिया के वहीं पर हैं। तो यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते थे बच्चे बेचारे साउथ में जाकर के परेशानी झेलते थे और वहां से डिग्री लेके आते फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते, तो अब वो सारी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अपने नॉर्थ इंडियन स्टेट में सीट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और सीट कितनी हो जाएंगी इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप 12th के बाद में BSc नर्सिंग अगर कर लेते हो तो ये बहुत जरूरी है, जान लो, जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि आपके पास आखिर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। आपने BSc नर्सिंग कर लिया तो आप अपनी टैलेंट, अपनी स्किल और अपनी
लगन के हिसाब से क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना पड़े, या जरूरी नहीं है आपको क्लिनिकल काम ही करना पड़े। तो आपके पास में जो मुख्य ऑप्शन होते हैं बच्चों, वही होते हैं, जैसे ही आपकी नर्सिंग कंप्लीट हुई उसके बाद में या तो आप जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग पूरी होते ही आप किसी भी, या जीएनएम भी, अगर आपने जीएनएम भी कर लिया तो क्लिनिकल काम अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके दे सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में जो वैकेंसी निकल रही है, चाहे क्लिनिकल की, चाहे ट्यूटर या एकेडमिक वाली पोस्ट या टीचिंग वाली पोस्ट, वो एक बेटर ऑप्शन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो या तो प्राइवेट सेक्टर में पहला ऑप्शन, या मैं इसको लास्ट में रखूंगा, सबसे पहला ऑप्शन जो आपका होना चाहिए वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है आफ्टर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करने के बाद की बात बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। स्टेट गवर्नमेंट में भी आप दो तरह के जॉब ले सकते हो, वेदर इट इज क्लिनिकल, थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और क्यों आनी चाहिए वो भी आगे बताऊंगा वीडियो में, पूरा देखना पड़ेगा आपको। क्लिनिकल और टीचिंग, ये दो जॉब आपके पास में अवेलेबल रहती है। टीचिंग की अगर वैकेंसी निकली है तो उसके एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपको क्लिनिकल जैसे कि नॉरसेट की तैयारी होती है। ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये अपने दिमाग में अभी से बिठा लो, क्योंकि जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे तब से ही आपको तैयारी शुरू करनी है। तो नॉरसेट का एग्जाम हो जाता है, इंडिया के जो एम्स, जितने भी एम्स है पूरे इंडिया में, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस रख दिया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो आपको नॉरसेट की तैयारी करनी होगी, और टीचिंग लाइन में अलग अलग समय पर ट्यूटर की वैकेंसी निकलती रहती है, जो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, या हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप रेगुलर अगर चैनल देखते हैं तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों, या तो लेक्चर्स यानी कि टीचिंग वाली जॉब, या फिर क्लिनिकल जॉब आप कर सकते हो, और बहुत ही शानदार जॉब है नॉरसेट में। आज की तारीख में लगते ही, जॉब लगते ही 90,200 रुपए सैलरी है, या 800 रुपए, 90,000 से ऊपर सैलरी। आज की डेट में अगर आप हिंदुस्तान में देखोगे कि इतनी ल्यूक्रेटिव यानी कि इतनी आकर्षक सैलरी वाली जॉब बहुत लिमिटेड है बच्चों, तो ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात है, बहुत ही एक्साइटेड करने वाली बात है कि आप केवल नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करके इतनी शानदार जॉब के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। हालांकि कंपटीशन तो देना पड़ेगा, दो कंपटीशन होंगे आपके, कौन सा होगा? पहला तो होगा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में होगा जब आप नर्सिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे तब आपका एंट्रेंस होगा, उसको नॉरसेट के नाम से हम जानते हैं। तो फिलहाल ये मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में हैं और आपको कैसे कैसे एंट्रेंस की तैयारी करनी है। तो प्रयोग नर्सिंग आपको इन दोनों ही चीजों की तैयारी करवाती है बच्चों, ध्यान रखना। किस किस की? एंट्रेंस की तैयारी, यानी कि आपको नर्सिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एंट्रेंस अगर लेना है, उसके लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ के सब्जेक्ट ज्यादा हैं, टॉपिक्स ट्वेल्थ के बहुत ज्यादा हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाती है, जो स्टेट का सिलेबस है। तो एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे, उसके बाद में जब आप बीएससी नर्सिंग में एंटर हो जाते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो नॉरसेट की तैयारी भी प्रयोग नर्सिंग कोचिंग कराती है। इसका मतलब सिंपल हुआ, अगर आप एक बार प्रयोग नर्सिंग कोचिंग से जुड़ते हैं तो आपको नर्सिंग एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाएगी, और आपका बेस या फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि फोर्थ ईयर कंप्लीट होते होते आप नॉरसेट के एग्जाम को क्रैक करने लायक तैयार हो जाओगे। तो एक बार अगर आप प्रयोग से जुड़ते हैं तो सीधा नौकरी पाने तक आपका साथ देने वाली जो कोचिंग है वो प्रयोग नर्सिंग कोचिंग है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के कोर्सेज हैं। ऑनलाइन आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर डिटेल पूछ सकते हैं, इंक्वायरी अपनी छोड़ सकते हैं, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सक्सेस प्रयोग करके ऐप मिलेगा आपको ऐप स्टोर पर, आज ही डाउनलोड कर लो, एब्सोल्युटली फ्री है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिल जाएंगी, और नॉरसेट की तैयारी के बारे में भी आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। अब जो नर्सिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट के अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है बच्चों आउट ऑफ इंडिया जॉब। अगर आप स्किल्ड हैं, आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, आपने आईलेट की तैयारी कर ली है, और सब्जेक्ट पर पकड़ भी आपकी ठीक है, और आपके मन में एक क्रेज है कि मुझे बाहर जाकर के ही ज्यादा पैसा कमाना है, या नौकरी मुझे बाहर करनी है, अगर आपके अंदर
राष्ट्रभक्ति है कि आपको लगता है कि देश के बाहर नहीं जाना है, तो आप इंडिया में भी बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों का शुरू से ये होता है कि साहब मैं कैसे भी करके आउट ऑफ इंडिया जा करके मेरे समाज में थोड़ी ज्यादा रेपुटेशन होगी, तो मैं बाहर ही जाना चाहता हूँ। ऐसे बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में इंडिया के बाहर लगभग हर कंट्री में इंडियन नर्सेज की डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इंडियन डॉक्टर्स और इंडियन नर्सेज की रेपुटेशन, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो इंडियंस हैं उनकी रेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी मानी जाती है, जो बहुत प्राउड की बात है। इमेज या एक रेपुटेशन है वो बहुत सॉलिड है कि अगर इंडियन है तो इसका मतलब बहुत मेहनती होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, काम में कभी पीछे नहीं हटेगा। तो ये इमेज आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूके लंदन में 26,000 नर्सेस इंडियन है, यूएसए यानी कि अमेरिका में 16,000 नर्सेस इंडियन है और बहुत प्राउड के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत रेपुटेशन कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 12,000 के आसपास, कनाडा में 5,000 के आसपास, गल्फ कंट्रीज हैं, अलग अलग गल्फ में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें मिला करके आप देखोगे तो 20,000, इनके अलावा भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, नाइजीरिया वगैरह दूसरी कंट्रीज हैं जहां कुछ कुछ लोग जाते हैं, वहां पर भी अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोगों की पसंद होती है यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में से कहीं मिल जाए या गल्फ कंट्री में से मिल जाए तो वो बेटर ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी लाइफ स्टाइल और अच्छी है वहां पर। तो ये ऑप्शन सब आपको मिल सकते हैं, केवल अगर आपको सही गाइडेंस मिले कि आपको करना क्या है। आपको करना सिर्फ ये है कि 12th बायोलॉजी से पूरी होने के बाद आपको नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करनी है, और बीएससी करते करते बीएससी नर्सिंग जब आपकी चल रही हो तभी से आपको शुरू कर देनी है जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है, और कंपटीशन के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। वो हालांकि बाद की बात है, सबसे पहले आपका एडमिशन अगर हो जाता है तो पहले आपको डिग्री लेनी है, उसके साथ साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी। ये एक डेटा है, एनुअली हर साल हिंदुस्तान में, भारत में लगभग 1,06,000 MBBS, ये सब मिनिस्ट्री के डेटा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके जो डेटा है, दो दिन पुराने ही, दो दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया, उसके हिसाब से 1,06,000 डॉक्टर निकलते हैं हर साल। मैं खुद MBBS, MD और क्रिटिकल केयर में फेलोशिप की हुई है मैंने, मैं ICU स्पेशलिस्ट हूँ। और प्रयोग एकमात्र कोचिंग है बच्चों जहाँ पर मेडिकल और नर्सिंग दोनों की फैकल्टी है पढ़ाने वाले, तो आपको जो लेवल तैयारी का यहाँ पर मिलेगा दूसरी किसी कोचिंग में मिलना असंभव है, इम्पॉसिबल है। 1,06,000 डॉक्टर, लगभग 1,00,000 भी अगर मैं मान लेता हूँ ना, तो कम से कम एक डॉक्टर के नीचे 4 से 5 नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पूरे वार्ड में अकेला होता है, जबकि पूरे वार्ड में अगर 20 मरीज हैं तो कम से कम 10 या 8 नर्सेज तो वहां पर होंगे, अगर ICU या HDU की बात करें। ये हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं अलग अलग, जनरल वार्ड में थोड़े कम स्टाफ होता है क्योंकि वो एक स्टाफ ज्यादा मरीजों को देख लेगा, खाली दवाइयां देनी होंगी उनको, लेकिन कम से कम 4 से 5 गुने तो ये होने चाहिए बीएससी नर्सिंग, लगभग 5,00,000 के ऊपर। लेकिन है कितने? सिर्फ 1,18,000, यानी कि इंडिया के अंदर भी अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस है, डेफिशिएंसी है, कमी है नर्सेज की, भारी किल्लत है, भारी क्राइसिस है। तो इसी वजह से भारत की सरकार ने एक साथ 157 कॉलेज, आप सोचो एक कॉलेज खोलने के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं, कितना खर्चा होता है, और लोग पीछे पड़े रहते हैं लेकिन मंजूरी नहीं मिलती। लेकिन हमारी सरकार ने एक साथ जहां जहां नर्सिंग में मेडिकल कॉलेज है वहां पर नर्सिंग कॉलेज खोल करके बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर को बूस्ट दिया है। तो ये एक मौका है बच्चों, और मौके का फायदा केवल वो लोग उठाते हैं जो उसके लिए तैयार होते हैं। तो अब आपको बिना देर किए तैयारी शुरू कर देनी है नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। बैच प्रयोग कोचिंग में चल रहा है, डिटेल के लिए आप ऐप पर इंक्वायरी छोड़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन नंबर्स पर आप अपनी क्वेरी छोड़ दीजिए, आगे से आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। नए हॉस्पिटल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही खुल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी का कोई अभाव नहीं है। और एक और बात आप जान लो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज की डेट में ऐसी जॉब जिसमें गारंटीड जॉब है, ऐसी डिग्री जिसमें जॉब की गारंटी है, वो केवल नर्सिंग है। क्यों?
आपने नॉर्सेट की तैयारी की, सपोज नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली कोई भी कारण हो गया, बीमार हो गए, घर की स्थितियां खराब हो गई, वॉट एवर, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो भी जाता है ना, नॉर्सेट में नहीं हो पाए, बाहर जाने की तैयारी करी थी उसमें भी नहीं हो पाया, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बीएससी नर्सिंग कर लो या आपने जीएनएम के बाद में एक दो साल क्लिनिकल काम कर लिया हो और उसके बाद आप बेरोजगार बैठ जाएं, ये असंभव है। तो एकमात्र जॉब ऐसी है या एकमात्र डिग्री या फील्ड ऐसा है जिसमें 100% जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अब आप कितनी अच्छी जॉब ले पाते हैं खुद के लिए, वो आपकी काबिलियत है, वो आपकी गाइडेंस, आपने कहां से लिए, कोचिंग कैसी करी, पढ़ाई कितनी करी, आपकी मेहनत कितनी रही, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर जोश है, तो आप बहुत ही बेहतरीन नौकरी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, एम्स के अंदर या फिर भारत के बाहर ले सकते हो। तो बिना किसी देर के ऐप डाउनलोड करो, नंबर पर अपनी क्वेरी भेजो, ऑनलाइन क्लास कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, ऑफलाइन क्लास कहाँ चल रही है वो बताया जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ एक्सपर्ट टीचर आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो प्रयोग नर्सिंग कोचिंग की तरफ से आपको ये इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। बच्चों, अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।